कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों का बाजार गर्म है। इस बीच पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश राठखेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सिंधिया कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ते हैं तो मैं उनके साथ सबसे पहले जाऊंगा, जहां महाराज वहां हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर पर अपना स्टेटस बदलने के बाद कांग्रेस की राजनीति गर्माई हुई है। इसको लेकर अब कांग्रेस में पिछले एक अरसे से सिंधिया की अनदेखी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कांग्रेस में जानबूझकर सिंधिया के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दूसरे गुट उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ मध्य प्रदेश कांग्रेस तक का अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहते। एक साल पहले तक कांग्रेस में चर्चा थी कि अगर कांग्रेस एमपी में सत्ता में आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद में उनको एमपी में कम तवज्जो दी जाने लगी। सिंधिया लोकसभा का चुनाव भी हार गए। अब फिर सिंधिया समर्थक उनको लेकर लामबंद हो रहे हैं। पोहरी के विधायक सुरेश राठखेड़ी का कहना है कि वैसे तो सिंधिया पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ते हैं तो उनके साथ जाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। पहली बात तो यह कि सरमंत महाराज साहब पार्टी, मेरे को नहीं लगता महाराज पार्टी छोड़ रहा है। क्यों? कि महाराज दूसरी पार्टी में जाने का तो सपना आप सब लोग छोड़ दें कि दूसरी पार्टी में जाए, ये महाराज वो सकती है जिस दिन जो चाहेंगे उस दिन अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, और बजू में उनका उनके अंदर और बता देंगे कि मेरा क्या जलवा। सरमंत महाराज साहब यदि पार्टी बनाते हैं तो सबसे पहले यही बंदा मिलेगा वो सरमंत महाराज साहब के संग, जहाँ महाराज रहेंगे हाँ मैं रहूँगा। ये बयानबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटाने के बाद से शुरू हुई है। विधायक सुरेश राठखेड़ी ने कहा कि महाराज अपनी खुद की पार्टी शुरू कर सकते हैं, ऐसी मध्य प्रदेश में उनकी ताकत है। उन्होंने साफ कहा कि और अगर श्रीमंत महाराज साहब ऐसा करते हैं तो मैं उनका अनुसरण करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले काफी समय से पार्टी के नाराज चल रहे हैं, काफी समय से वे पार्टी की कार्यशैली से खुश नहीं है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उन्हें और उनके समर्थकों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार सिंधिया अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार समस्याओं को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र भी लिखा है, जिसमें से अभी तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।